गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मैं आप सबका दोस्त विक्रम मलोट और आप मेरी ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल विक्रम मलोट पर देख रहे हो। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल वाला जो बटन होता है उसको जरूर दबाएं। बेल वाला बटन दबाने से क्या होता है कि जो मैं वीडियो अपडेट करता हूँ वो वीडियो आप तक पहुँचती है और जहाँ पर हम पहुँचे हैं देखते हैं कौन सा साहब है। लो दोस्तों, ये रसल वाइपर है साहब, और जो कुछ दिन चार दिन पहले जो मुझे बाइट हुई थी वो रसल वाइपर की ही मुझे बाइट हुई थी, और आज देखो कि फील्ड में दोबारा आया हूँ तो रसल वाइपर ही सामने सांप आया। और आज जो टाइम है मॉर्निंग के 7 बजे हुए हैं, ये गंभीरपुर गांव श्री आनंदपुर साहब से 4-5 किलोमीटर दूर गांव है ये। इसको निकालते हैं, बस इसने लगता काफी बारीक चूहा खा रखा है, पेट इसका काफी फुला हुआ है। काफी बारीक चूहा खा रखा दोस्तों इसने। रसल वाइपर जो सांप दोस्तों होता है ये भारत देश का सबसे जहरीला सांप है। हमारे पंजाब के जो कुछ एरियो में ये सांप पाया जाता है, जैसे श्री आनंदपुर साहब, गढ़ शंकर, नूरपुर बेदी, नंगल, ये क्योंकि यहाँ पे हिमाचल जो स्टेट है वो बिल्कुल पास है और यहाँ पे जो पहाड़ काफी हैं, क्या पता है कि यहाँ पर पानी की वजह से या फिर हिमाचल साथ है, बट ये कितनी मतलब कि सोचने वाली बात है क्योंकि ये सांप पहले कभी पंजाब में नहीं पाया गया था। पर कुछ कहने का मतलब मेरा ये है कि मुझे यहाँ पे 4-5 साल हो चले हैं और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 200 से ऊपर ये रसल वाइपर सांप को पकड़ कर छोड़ चुका हूँ। जो आपको पता ही, आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि 2-4 दिन पहले मुझे रसल वाइपर स्नेक की बाइट भी हुई है और अभी भी मतलब कि हाथ तो मेरा काम करने लगा है, सिर्फ थोड़ी बहुत स्वेलिंग है हाथ के ऊपर, ज़्यादा नहीं है, बस ठीक है। अब मैं बल्कि हाथ काम करने लगा प्रॉपर, हल्का सा मैं दर्द महसूस होता है, अब मैं फिर भी काम में निकल चुका हूँ क्योंकि 2 दिन से मुझे काफ़ी कॉल आ रही थी। कल के दिन तो स्वेलिंग कुछ ज़्यादा थी इसलिए कल मतलब कहीं पर नहीं जा पाया मैं। सो आज जब घर से निकला ही था बार और पहली कॉल आई तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो देखा तो आके रसल वाइपर। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आखिर तक बने रहे, अब देखते हैं अगर मुझे अभी टाइम लगा तो इसको जाके अभी जाके रिलीज करके आएंगे, नहीं तो इसको मुझे थोड़ा सा काम भी था तो इसको हम दोपहर के बाद रिलीज करते हैं। तो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था कि जैसे मैं मेरा जो डंग है सांप पकड़ने का मुझे पता है, वो सबको पता है कि वो गलत है, बट इसलिए मैं हर किसी दोस्तों को कहता हूँ कि आप कभी ऐसा मत करें। जो सांप को पकड़ने का जो तरीका जो डंग होता है वो जो स्टिक होती है उसके साथ सांप को उठाकर उससे उसका फेस को दबाकर हम उसका फेस को पकड़े वो सबसे बेस्ट है। मैं यही हर बार बेनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कभी आप मेरा मैंने पहले ही कहा है कि मेरा तरीका गलत है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों कि जो भी मेरे भाई हैं सांप पकड़ने वाले, सर्प मित्र, प्रोफेशनल स्नेक कैचर, वो सबसे पहले अपनी केयर करें, क्योंकि देखो कि 2 दिन पहले मुझे 4 दिन पहले मुझे जो स्नेक बाइट हुई थी तो उसमें मैंने देखो पहले मैंने अपना ही आयुर्वेदिक जो मेरे पास जो मैंने मेडिसिन तैयार कर रखी थी वो मैंने ली और आज मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैंने सुना है कि जो रसल वाइपर जब किसी को बाइट करता है तो बहुत रेयर चांस होता है, मतलब जो बॉडी पार्ट होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। चलो उस वाहेगुरु की कृपा से आज मैं फील्ड में दोबारा आया हूँ और जब फील्ड में उतरा हूँ तो पहला ही जो सांप पकड़ा वो रसल वाइपर। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इस वीडियो के मेरी मैं क्या करता हूँ कि मैं जो आप क्या मेरे दोस्त कहते हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है, तो उसका रीज़न ये होता है कि जब मैं सांप को पकड़ता हूँ और सांप को छोड़ने के टाइम
दोनों वीडियो को ज्वाइंट कर एक कर देता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। कई बार क्या होता है, कई बार जहाँ पे हम सांप पकड़ने जाते हैं वहाँ पे जैसे बिल के अंदर सांप चला गया, कोई काफी सामान पड़ा है, वहाँ पे टाइम लग जाता है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं होती, अगर मैं वीडियो को कट करके मैं अपडेट करता हूँ तो सभी सोचेंगे ये वीडियो फेक है। सो दोस्तों, उस चीज़ के लिए माफी चाहता हूँ, और इस वीडियो को देखने के लिए आखिर तक बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, ये सांप हमने कल रेस्क्यू किया था श्री आनंदपुर साहब से 3 किलोमीटर दूर आगे एक रिसोर्ट है, उसके ऑपोजिट शीशो की दुकान थी। इधर से छोड़ देने ना, ऐसे ही छोड़ दो। दोस्तों, ये उन 10 सांपों में एक सबसे जहरीला सांप है कि अगर ये काट जाए तो रेयर चांस होता है कि आदमी का बचना और ठीक रहना, नहीं तो मैं अभी तक मैंने जितने देखे कि जिनको भी ये रसल वाइपर हिंदी में इसको गोंड सांप बोलते हैं, वो ये काफ़ी विषारी काफ़ी जहरीला सांप होता है। अभी तक जिनको ये सांप बाइट हुआ है मेरी नज़र में दो बंदों की मौत हुई है मेरे सामने। पता नहीं मेरी अगर नॉलेज के बिना, इसे ज़्यादातर ये सांप महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, केरला महाराष्ट्र राजस्थान में सांप स्केल्ड स्नेक पाया जाता है, और इस सांप का अगर जब किसी को बाइट करता है तो जो जितनी स्किन होती है वो जैसे साबुन को हम तोड़ते हैं ना तो ऐसे स्किन हो जाती है, इस सांप से ये प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, इसको हम छोड़ने हैं सेंचुरी में। घर है सड़क है, अगे सड़क होनी है, अगे देखो। चलो फिर जंगल है, कैमरा। दोस्तों, ये सांप है गोंड रसल वाइपर, इसको हम आदमी के चलती फिरती मौत भी बोल सकते हैं अगर ये बाइट कर जाए तो। अभी ये ज़्यादा बड़ा नहीं बेबी है, अभी ये चल गया। दोस्तों, ऐसी चीज़ जंगलों में अच्छी लगती है, अगर इनको कभी छिपने का ठिकाना जगह नहीं मिलती है तो ये गलती से घरों में आ जाते हैं, क्योंकि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ जहाँ पे ये रहते हैं जंगल खेत खलिहान, लोग क्या करते हैं जिनके पास पैसे हैं
वैसे देखकर जगह खरीद लेते हैं जहाँ पे मिट्टी के टिब्बे होते हैं, जंगल होते हैं, उसको वहाँ से बिल्कुल साफ करके वहाँ पे कॉलोनियाँ खड़ी कर देते हैं। इसलिए इन जानवरों को रहने के लिए प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है, इनके अंदर समझ नहीं है इसलिए घरों में घुस जाते हैं। और ये साहब हमारा भी फर्ज होता है कि वैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन पहले अभी मेरे दोस्त ने भी एक कमेंट किया था यूट्यूब के ऊपर कि सर आप प्लीज़ लोगों को अवेयरनेस किया करो कि घर के अंदर ज़्यादा कूड़ा कि जो कबाड़ वाला जो सामान होता है उसको इकट्ठा ना करें, क्योंकि जब हम एक कबाड़ या कुछ वेस्ट सामान इकट्ठा करते हैं तो ये होता है कि जैसे चूहे, कॉकरोच और ये सांप, कोई भी जानवर घर में उस सामान में उस जगह पे आके रहने लगते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज होता है कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखें।